मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 10वीं में पढ़ने वाले एक 16 वर्षीय लड़के ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, वो अपनी 10 वर्षीय छोटी बहन को लेकर 2 दिन तक माँ के शव के साथ ही अपने घर पर रहा। वही मंगलवार शाम को जब शव से बदबू आने लगी तो बच्चे ने हत्या की झूठी कहानी गढ़ी और सैन्य अधिकारी पिता को सूचना दी। पुलिस का दावा है कि नाबालिग बेटे ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे पबजी गेम खेलने से उसकी मां द्वारा मना किया जाता था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पबजी की सनक ने एक नाबालिग को अपराधी बना दिया। इस दौरान नाबालिग 16 वर्षीय बच्चे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि मां का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने अपने बच्चे को पबजी गेम खेलने से मना किया था। यही वजह है कि छात्र ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही आपको बताते चले कि नाबालिग का पिता भर्ती राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घट जाती है, एक माँ होती है जो सोशल मीडिया और गेम खेलने से अपने बच्चे को मना करती है, उसके बाद उसका बच्चा उसकी हत्या कर देता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ADCP ईस्ट कासिम आब्दी जी हैं, इनसे ही ज़्यादा बात करेंगे, विस्तार से यही बताएंगे। सर, क्या था पूरा मामला और ये घटना कब की है और किसने की? सर, कल रात लगभग 9 बजे PGI पुलिस को सूचना मिलती है कि एक 40 वर्षीय महिला की यमुनापुरम कॉलोनी में जो रहती हैं उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि जो इस मकान में एक कमरे में महिला की डेड बॉडी थी और बॉडी जो है डिकम्पोज थी, काफ़ी स्मेल आ रही थी। उस मकान में इस महिला के अलावा उसके 2 बेटे थे, बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी छोटी थी, 10 साल की, बेटा 16 साल का था। जब बेटे से पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने बताया कि एक अंकल आए और उन्होंने जो है वो अंकल बिजली का काम करते थे, क्योंकि उस मकान पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो कहा कि बिजली काम करते थे और उन्होंने मम्मी के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने फादर की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दिया। आसपास के लोगों से पूछा तो आसपास के लोगों ने कहा इस तरह का कोई मतलब कोई व्यक्ति अच्छा एंट्री भी उसमें मुश्किल है क्योंकि 3 मंजिला इमारत है और कोई फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं थे, तो ये हुआ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। इसकी स्टोरी में इसका मोबाइल वगैरह चेक किया, उसमें कुछ चीज़ें मिली, कुछ क्लूज मिले। फिर जब इससे जब थोड़ा डिटेल में पूछताछ की गई तो फिर ये फाइनली ब्रेक कर गया। उसने बताया कि इसी ने अपनी माँ की हत्या किया है गोली मार करके। जैसा मैंने बताया कि वो अपनी फ्रीडम, वो माँ को जो है वो एक तरह से बॉन्डेज के रूप में देखता था कि ये मुझे बांध रही हैं और मेरी फ्रीडम को कर्टेल कर रही है। वो फ्रीडम पाना चाहता था एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ ADCP ईस्ट कासिम आब्दी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि घटना काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि इस मामले में जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं उन्हें दूर भी रखना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पबजी की सनक ने एक नाबालिग को अपराधी बना दिया। इस दौरान नाबालिग ने अपने ही पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी मां की हत्या कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। महज मां का कसूर बस इतना था कि उसने अपने बेटे को पबजी खेलने से मना किया था, जिसके बाद बच्चे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। वही इस पूरे मामले में एक हैरानी वाली बात यह सामने आ रही है कि बेटा शव के साथ करीब 2 दिन तक उसी घर में मौजूद रहा, उसके साथ ही उसकी बहन भी मां के शव के साथ घर में मौजूद रही। वही जब आसपास के लोगों को कुछ बदबू आई तब उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। साथ ही आपको बताते चले कि नाबालिग बच्चे का पिता सेना में इस वक्त आसाम में पोस्टेड है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। वही इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने पहले तो मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद मामले की गहनता से जांच पड़ताल की गई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि नाबालिग बच्चे ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। तो इस वक्त आप जो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी मां की है, जिसका कसूर महज इतना सा था कि उसने अपने बच्चे को पबजी खेलने से मना किया, जिसके बाद बौखलाए हुए बच्चे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया।
साथ ही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में एक हैरानी वाली बात निकल कर ये सामने आ रही है कि नाबालिग बच्चा अपनी ही माँ के शव के साथ तकरीबन दो दिन तक घर के अंदर अपनी बहन के साथ मौजूद रहा। साथ ही रूम फ्रेशनर की मदद से लाश की बदबू छुपाने की भी बच्चे द्वारा कोशिश की गई थी। वह इस पूरे मामले पर जब आसपास के लोगों ने सूचना दी गई, वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। इस पूरी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, क्या कुछ ये पूरा मामला इस वक्त निकल के सामने आ रहा है? शनिवार की है और इसमें एक जो लड़का होता है वो एडिक्टेड होता है पबजी गेम का और इसी एडिक्शन के कारण अपनी माँ की हत्या कर देता है। तकरीबन दो दिन तक वो अपनी माँ की लाश को कमरे में बंद करके रखता है और उसकी छोटी बहन भी होती है जो तकरीबन काफी छोटी होती है, लड़की की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल है जो कि 10वीं का छात्र है और लड़की जो होती है उसकी छोटी बहन वो 7वीं या 8वीं की कक्षा में पढ़ती है। घरवार परिवार में केवल 3 लोग रहते थे, उसकी माँ, उसके बच्चे और जो पति है, जो उसकी माँ का जो पिताजी हैं लड़के के, वो आसनसोल में। सागर, इस मामले में लेकर एक नाबालिग बच्चे के शामिल होने की बात सामने आ रही है, तो पुलिस ने अभी तक उस बच्चे के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? देखिए प्राइम टीवी की खास बात एडीसीपी कासिम आबिद से हुई थी आज, जो कि हमने काफी देर तक उनसे बातचीत भी की। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो बच्चे को हिरासत में ले लिया गया है और जो तहरीर है वो तहरीर लेके आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी सामान थे बच्चे के, जिसमें जैसे मोबाइल हो गया और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बारे में अधिक से अधिक पता किया जा रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा फैसला उस बच्चे को क्यों लेना पड़ा कि उसने अपनी माँ को ही गोली मार दी। सागर, इस मामले को लेकर पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने बच्चे की सोशल नेटवर्किंग साइट से इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तो उस दौरान पुलिस को जाँच के दौरान क्या कुछ सामने आया? देखिए पुलिस की थ्योरी अलग बताती है, लेकिन साफ तौर पर अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले की बात है शनिवार की घटना है और शनिवार के बाद दो दिन बीतने के बाद जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं उन्हें काफ़ी दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध आने की वजह से एक तरफ पुलिस को वो लोग सूचित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लड़का रहता है, छात्र होता है 10वीं कक्षा का छात्र, वो अपने पिताजी को फ़ोन करके सूचित करता है कि घर पर कोई आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, वो माँ को गोली मार देता है और हम दोनों को कमरे में बंद कर देता है। इस तरह से वो फिल्मी कहानी बनाता है, लेकिन पुलिस की थ्योरी कहीं ना कहीं काम आ जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, दोनों भाई बहनों से पूछताछ करती है, एक तरफ भाई को पूछताछ करने ले जाती है, वही दूसरी तरफ उसकी बहन से पूछताछ करती है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जो कत्ल है वो लड़के ने किया अपने पिताजी के रिवॉल्वर से। सागर, अगर देखा जाए तो पबजी से पहले भी कई अन्य लोगों की जाने जा चुकी है, उसके बावजूद भी इस गेम पर बैन लगा दिया गया था, तो अब सरकार द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि अब एक मौत और हो चुकी है पबजी की वजह से? जी, पबजी को लेकर काफी घटनाएं हिंदुस्तान में हो चुकी है, तो इसी वजह से सितंबर के महीने में भारत सरकार ने सारे चीनी ऐप को बंद कर दिया गया था। लगभग 52 से अधिक ऐप थे जो प्ले स्टोर में मौजूदा थे, उन सभी को बंद कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने इस पर एक्शन तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है तो वही पबजी का लोग सब्स्टिट्यूट भी निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गेम खेलते हैं, ना कि पबजी, तो इसी वजह से लोग काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं पबजी गेम के कारण, काफ़ी उन्हें जैसे उस गेम में गोलियां भी चलानी पड़ती है, तमाम लोग के साथ ही होते हैं, तो इस वजह से जो एक रवैया है, एक मानसिकता है, वो काफ़ी आक्रामक बन जाता है, तो इस वजह से ये घटना पूरी तरह से अंजाम हो सके। सागर, अगर देखा जाए तो बच्चों के हाथ में फोन अक्सर दिखाई देते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो ये तक देखना जरूरी नहीं समझते कि आखिर उनका बच्चा कर क्या रहा है, तो इन सब पर लगाम आखिर कैसे लगाई जाए? देखिए, लगाम लगाना तो एक दूर की बात है, कहीं ना कहीं देखिए आज जो जब से कोरोना काल चल रहा है वहां पे उसके बाद से मोबाइल काफी जरूरी हो गए। एक तरफ जो पहले का दौर था कि माँ बाप कहते थे कि मोबाइल से दूर रहिए, वहीं आज माँ बाप कहते हैं कि इस मोबाइल से पढ़िए, तो एक समानता अगर देखा जाए तो काफ़ी अंतर आ चुका है बीमारी के बाद, तो कहीं ना कहीं मोबाइल, पेरेंट्स भी आज के ज़माने में जॉब करते हैं, तमाम नौकरियां करते हैं, तो वो अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो सबसे पहले कि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा किस राह भी जा रहा है, किस वे में जा रहा है और क्या कुछ मोबाइल में ऐसा कर रहा है ताकि आगे चल के वो उनके और उनके परिवार के लिए घातक ना बन सके। जी, अगर देखा जाए तो इस दौरान ये भी निकल के सामने आया कि बच्चे ने अपनी माँ की हत्या लाइसेंसी रिवॉल्वर से की, तो आखिर बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर कैसे आ गई?
और देखिए हमने पुलिस से बात करी थी, आईपीएस कासिम आब्दी जी ने उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पिस्टल थी वो अलमारी में रखी गई थी और अलमारी में उसके पिताजी रखे थे और जो अलमारी थी वो अनलॉक थी। अब जो बच्चा है उस मानसिकता में जूझ रहा था, उस मानसिकता की तरफ जा रहा था कि उसे बंदूकें और तमाम जो शोर है, तमाम हिंसा है, वो सब पसंद आने लगी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पबजी गेम से काफ़ी इंस्पायर हो चुका था। तो जो पिस्टल थी वो उसके पिताजी के अलमारी में रखी गई थी, घर के अलमारी में रखी गई थी, उसने निकाला और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को इस वजह से भी मारना चाहता था कि उसकी माँ हमेशा उसे रुकावट बनती थी, कहीं ना कहीं उसे टोकती थी, यहाँ मत जा वहाँ मत जा। उस वजह से उसने सोचा कि अपनी माँ को मार देता हूँ और सारी किस्से और कहानियाँ ही खत्म हो जाती है। जी धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहाँ पबजी की सनक ने एक नाबालिग को अपराधी बना दिया। इस दौरान नाबालिग बच्चे ने अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार दिया। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद को लेकर चार हमलावरों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें हमलावरों ने घर में मौजूद दो सगे भाइयों के सिर पर रॉड से मारकर उन्हें घायल कर दिया। आपको बता दें कि दोनों भाई मजदूरी करते हैं और दोनों ही भाइयों ने बताया कि आए दिन ये लोग घर वाले को परेशान भी करते हैं और घर पर कब्जा भी करना चाहते हैं। पड़ोस में रहती हूँ, 24 घंटे में बदमाशी दिखाती हूँ, घर में घुस जाती हूँ, मारपीट करती हूँ। आज ज़्यादा करने लगी वो मारपीट, तो मेहल्ले वालों ने भी आनकर समझा लेकिन किसी ने मानी। वो पहले से उन्होंने इंतजाम कर रखा, 20-25 आदमी थे उनके पास और आनकर सब चुपट गए हमसे। तो किस बात पे लड़ाई हुई आज? लड़ाई को कोई कुछ नहीं थी, हम तो मैं तो एक आदमी के साथ में अपने दोस्त के साथ। तो खबर इस वक्त बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद में एक हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान सरेआम घर में घुसकर चार लोगों ने दो सगे भाइयों पर हमला किया। इस दौरान भाइयों द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि आए दिन जो दबंग है वो घर वालों को परेशान करते हैं और घर पर कब्जा करना चाहते हैं, यही वजह है कि वो आए दिन लगातार पीड़ितों को धमकाते हुए भी नजर आते हैं। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां घर में घुसकर दबंगों ने दो सगे भाइयों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला विधि चंद्र में चाय पीने से किशोर और किशोरी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में दोनों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए चाय बना रही थी, उस दौरान उनकी चाय में किसी समय छिपकली गिर गई और उनको इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया। वह इस मामले पर चिकित्सक पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि छवि और अर्पित जिस दौरान अस्पताल में आए उस दौरान उन्हें चक्कर आ रहे थे और उनका जी भी मचला रहा था। फिलहाल अब दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो कैसे पता चला इसमें छिपकली गिर गई? फिर कहाँ आए आप लोग? अब आप लोग ठीक है? आज क्या हुआ? आज चाय में छिपकली गिर गई थी, तो मैं चाय पी रही, तो मैं चक्कर हुआ है। कितने कितने चाय पी? आते ने और छोड़ी। हाँ, तो मैं चक्कर आए, तो हम 6:30 बजे के बाद आए। फिर बच्चे आपके ठीक है? हाँ, ठीक है। यहाँ के अस्पताल से कितना आप संतुष्ट हैं डॉक्टरों से? ठीक है। ये आज सुबह दो बच्चे आए थे, अर्पित और छवि, जिनकी उम्र 12 और 13 साल थी। इन्होंने चाय में छिपकली गिर गई थी, तो उस चाय को पी लिया था। हमारे पास जब ये आए थे तब बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी और इस बच्चे को तो उल्टी भी हुई थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग को भर्ती किया है, उसमें इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, फ्लूड दिया है, अब इनकी हालत बेहतर है और दोबारा कोई। अंबेडकर नगर में कुछ महीने पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अरमान हत्याकांड के 2.5 महीने बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस मामले में थाना अलीगंज पुलिस पर लीपापोती करने का भी आरोप लगा है। परिजनों के प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आखिर पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल पाया अब तक? आशीष अहमद है, हमारे मामू का लड़का मोहम्मद अरमान 20 मार्च को मार करके टांग दिया गया और यहाँ पर हम 2.5 महीने से लगातार जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और
जब वो मर गया इसके बाद में पुलिस लेकर के एक आधार कार्ड पहुंची और हम लोगों को यहाँ साइन पंचनामे पर नहीं होने दिया गया। लाश को 7 बजे ही जो पोस्टमार्टम में डाल दिया गया। जब वहाँ से 3 बजे लाश मिली तो हम लोग मुबारकपुर चौराहे पर जाम लगाए। जाम लगाने के बाद टांडा और अलीगंज कोतवाल पहुँचे और बोले कि 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करके दे देंगे। आज तक गिरफ्तारी नहीं लिए और अभी 2,12,00,000 रुपये लेकर के अलीगंज कोतवाल जो है मोहम्मद सभी। खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है जहां अरमान हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तहरीर देने के बावजूद भी 2.5 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस मामले पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड को बीते हुए 2.5 महीने का समय हो चुका है, तो आखिर पुलिस द्वारा अब तक इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी, मैं आपको बता दूं, ये 20 मार्च की ये घटना है। अरमान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने इसको लेकर, इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। स्थानीय थाना अलीगंज द्वारा आश्वासन दिया गया था 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी आरोपियों की कर ली जाए, जबकि नामजद आरोपी है। 302 में अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा यह लापरवाही कहीं ना कहीं सामने निकल कर सामने आई। जी, बड़ी लापरवाही की वजह क्या है, क्योंकि जब नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है तो फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि जो पीड़ित का परिवार है, परिजन है, वो एसपी से मिलने के लिए गए थे, दरखास्त दी है। आगे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है देखने वाली बात होगी। धन्यवाद राहुल पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है जहां अरमान हत्याकांड में नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दर्ज की गई है लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिजनौर में काम कर घर लौट रहा एक व्यक्ति सड़क किनारे अपने रिश्तेदार के साथ बात कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे डीसीएम ने दोनों व्यक्तियों को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति का इलाज अभी चल रहा है। और ये भी खबर अब सामने आ रही है कि इस दौरान उसके भी मौत हो जाने से परिवार वालों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। अखिलेश कुमार हैं, ग्राम माननगर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई से छोटा भाई थे और ये बाजार करके आ रहे थे जैन साहब के फरेशन के पास ही जो है रोड के किनारे साइड आलमपुर के पास साइड से खड़ा हुए गाड़ी खड़ी करके साइड से बातचीत कर रहे थे रिश्तेदार थे इनके। तो अचानक अब जगड़ की तरफ बस डी सी एन जा रही थी टाटा 407। उन्होंने जो है तेज गति के कारण दोनों को जो है मैं गाड़ी समेत बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के 4 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने के चलते खुर्जा नगर के व्यापारियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लूट की घटना के मामले में अब तक की हुई बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली से व्यापारी नाखुश दिखे। व्यापारियों का कहना है कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार को भी बंद कर दिया जाएगा। वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि हमने कई टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए लगा दी है और जल्दी उनको सफलता मिलेगी। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सही बात निकल के नहीं आ रही है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक ना तो कोई सुराग मिला है ऐसा ढंग का, ना ही वो आदमी मिला है। माल तो मिलने की बात बहुत दूर तक है। हमें तो ये है कि वो आदमी मिले और हमारा माल मिले। हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमें जो आगामी जो हमारा जो व्यापारी हैं, मैं ही नहीं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है ताकि हम सब सुरक्षित रहें। पुलिस से बात हुई, क्या आश्वासन मिला अभी तक? पुलिस कह रही है कि हम उस तक जल्दी पहुंच जाएंगे, आप निश्चित रहें। ललित ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े जो लूट की घटना घटी है और 5 दिन बीतने के बावजूद अभी तक उस घटना के तह तक जानी तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी सुराग नहीं मिला है पुलिस प्रशासन को, बड़े ही सोचनीय विषय है। पूरे जनपद का, ना केवल सर्राफे का व्यापारी बल्कि
पूरे जिले भर के व्यापक। हरदोई में दबंगों ने युवक की रंजिश में पिटाई कर दी। कहा जा रहा है कि दबंग पीड़ित के भाई को भी पीट चुके हैं। पीड़ित युवक का आरोप है कि वो अपनी दुकान का सौदा लेने बिलग्राम जा रहा था, तभी रास्ते में रोककर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर दबंग फरार हो गए। पीड़ित ने अब SP से जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां थाना हैदराबाद के ग्राम उदयपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली मैलानी रेंज के मेहराना बाबा स्थान पर भंडारा लेकर गई थी, जहां से वापस आने के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। वही इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी में बैठे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गालियां देकर गाड़ी बैक करने को कहा, जिसके बाद सहमे ड्राइवर ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। थाना हैदराबाद क्षेत्र में एक ट्रॉली आ रहा था, उसमें परिजन भरे हुए थे, काफ़ी लोग थे उसमें। वो ट्रॉली सड़क के किनारे पलट गई है। मैं मौके का विजिट मैंने किया है। वहाँ पे एक तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी लेफ्ट साइड पे थी, राइट साइड से ये लोग क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने में बिल्कुल वो जो रोड है वो संकरी सिंगल रोड है और उसके नीचे काफ़ी गड्ढा है, तो उसमें वो ट्रैक्टर पलट गई है। उसमें 2 लोगों की अभी तक मृत्यु तस्दीक हुई है, कुछ लोग घायल हैं। सभी लोगों को तत्काल उसी वक्त पुलिस ने अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से सभी को भिजवाया था। उसमें त्वरित कार्रवाई से बहुत लोगों की जान बच पाई है। अभी 2 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है, बाकी लोगों को कुछ लोग रेफर्ड हैं, कुछ लोग की। रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र में थाने से चंद कदम की दूरी पर चोरों का आतंक देखने को मिला। इस दौरान चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया, जबकि चोरों के गिरोह ने घर में रखी नकदी जेवरात समेत 8 लाख का सामान पार करते हुए मौके से फरार हो गए। वह इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। 3 घरों में चोरी हुई। कितनी लगभग, कितने की चोरी हुई होगी? लगभग लगभग 5-6 लाख अशोक चाचा के यहाँ हुई, 7 लाख, और राजू के यहाँ से 1.5-2 लाख चोरी सामान होगा, और पीछे पंडित जी रहते हैं लाख खान का, उनके यहाँ से होगा, उनका अलमारी तोड़ के और पीछे से छत पे जाके, और उसी तरह राजू के यहाँ ग्रिल तोड़ दिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।